दीदी। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है इस घर के अंदर? किधर है वो कमीना? तेरी बहन किसको लेकर आई है घर के अंदर? अपने लिए लेकर आई है कि तेरे लिए लेकर आई है? बात करो, मैं तुम्हारी रखे नहीं। तेरी क्या इज्जत? मैं अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा हूँ, तू बीच में आने वाला कौन है बे? निकल यार! मेरा मुंह क्या देख रही है? जाने को बोल इसे, और जाने से पहले पीके के घर से जो कुछ भी लेकर आया मेरे हाथ में देने को बोल। बोल ना, जा। तुमने सुना ना, ये क्या मांग रहे हैं? माही से कहो पीके का केस वापस ले ले, वरना मेरे पति अपने घर मुझे कभी नहीं ले जाएंगे। अब तुम मेरे पति को अपनी भाषा में समझाओ। इन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा ना, तुम इन्हें दो थप्पड़ मारो। ए, क्या बकवास? ए, अपने पति को पिटवाने के लिए गुंडा बुलाया तूने? क्या पति? पहले इंसान तो बन जा। ए! चुप कर। शादी करके सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई पति नहीं बनता। इसे देख, इसे मेरी बहन से मिले हुए सिर्फ 48 घंटे हुए हैं और ये उसके लिए ढाल बन के खड़ा है। इसे कहते हैं असली मर्द। पहले ऐसा बन, फिर मैं इज्जत करूंगी। तेरी पत्नी बन के जीने के बजाय इस घर में रहकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं। देखो, अच्छे से देखो, पुलिस की सर्विस में दो चीजें मिल सकती हैं, ईमानदारी दिखाने पर मेडल और तलवे चाटने पर रिश्वत। मेडल्स मिलते हैं तो आप सीना चौड़ा करके उन्हें घर में सजाते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां बहुत नाज करती हैं। पर रिश्वत का पैसा चाहे जितना भी, उसे घर में सजा नहीं सकते। इंसाफ के रखवाले के लिए हराम की कमाई श्राप होती है। अपने ससुर को देखो, दुनिया से जाने के बाद भी आज भी सबके दिलों में वो जिंदा है। पर तुम, जब तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाए तो ये तो जीते जी हजार मौत मरने जैसा है। शर्म आदमी अपना जमीर बेच चुका है। सॉरी दीदी। समझ गया बॉस, तुम रास्ते पर हेलमेट पहन के चल रहे हो और मैं बाइक पे हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आइंदा पहन के निकलूंगा। अरे, हेलमेट के ऊपर एक और हेलमेट पहना था। भैया, भाभी, मुझे पहचाना? यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो भी हेलमेट पहन के, सोशल अवेयरनेस है क्या? नहीं, अपना टकला बचा रहा हूँ। तुम अच्छे आदमी हो, तुमने माफ कर दिया, लेकिन उस ब्लू शर्ट वाले ने मुझे माफ ही नहीं किया। मेरा वीडियो शूट कर लिया और व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल करके मेरी पूरी वाट लगा दी। उसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। 11 थानों की पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अरे, लगता है 12वें थाने की भी आ गई। मैं निकलता हूँ। मम्मी बचाओ, पुलिस नहीं है। मम्मी, पुलिस। तुझको भाई बुला रहे? किसका भाई बे? अंदर आ, पता चल जाएगा। मैं जाके इस भैया को मिल के आता हूँ, तुम वकील के ऑफिस में वेट कर लो। भाई, ए, निकलो रे। ओए, तू है कौन? जानता है क्या कर रहा है तू?
ये तेरा शहर नहीं है, जो लिया है वापस कर और चुपचाप लौट जा यहाँ से। तू है कौन बे? ए, रुक। मेरे सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और इसकी इतनी हिम्मत मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो तू है वो, सिर्फ मेरे प्यार और माही की वजह से तुझसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ, वरना तुझे क्या लगता मैं फैसले कोर्ट कचहरी और पुलिस पर छोड़ने वाला बंदा हूँ? पर क्या करें, अपनी वाली को सिस्टम पर भरोसा है, इसीलिए तो तू और वो कसाई धरती पर बोझ होने के बावजूद भी जिंदा। इन गोलियों में एक पर तेरा नाम लिखा हुआ है, चला दूं क्या? जो भी सामान लिया चुपचाप लौटा और यहां से निकल जा। आदमी है गोलियां छे। खाने एक में गोली, ना तुझे मालूम है किसमें गोली है ना मुझे मालूम है, देखते हैं इस पर मेरा नाम लिखा है या नहीं। पांच बार ट्राई किया पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोली पर तेरा नाम लिखा है? ज्यादा होशियार लगा, इस पर किसका नाम लिखा है? बड़ा भाई बना फिरता है, सबको डराने वाला आज खुद डर से कांप रहा है। भैरव का नाम सुनते ही तो डर भी डर के कांपने लगता है। गोली ने कर दी ना गीली। गोली पर मेरा नाम लिखा ना, इसलिए अब से मेरी। इसके पापा और मैं कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स थे, बेरहमी से मार दिया बेचारे को, हम तो उम्मीद खो चुके थे, पर तुम एक तूफान की तरह आए और उनकी जड़ों को हिला कर रख दिया। अब पी के नहीं बच सकता, मैं इस केस को दोबारा स्टडी कर रहा हूँ ये साबित करने के लिए कि वो एक बड़ा क्रिमिनल है। देखना कोर्ट की अगली हियरिंग में उनके पाप के साम्राज्य को हम तहस नहस कर देंगे। बस यही सुनना था सर। बाय अंकल। ओके बेटा। भैरव, पिछले कुछ दिनों से ये नॉनस्टॉप फोन कर रहा था, लगता है टावर घर में लगा है। सुबह खेत में खाद डालने गया था, वहाँ एक टांग पे खड़ा था, मैं इसे घर में ले आया। अब ऐसी शक्ल बना के लगे तू सचमुच पछता रहा है बच्चू। इन पुलिस वालों के चेहरे से पता नहीं चलता कि पछतावा दे रहे हैं या पछतावा कर रहे हैं। मैं ये पछतावे के बारे में अंदर जाके अकेले में चर्चा करता हूँ। रोज सुबह उठने के बाद भैरव स्वामी के मंदिर में मैं उनसे ये प्रार्थना करती थी कि मेरे पति सही रास्ते पर आ जाए, और देखो साक्षात भैरव स्वामी हमारे घर पर आ गए। मेरे लिए तुम ही भैरव स्वामी का रूप हो। अरे क्या दीदी, कुछ भी। किसी दिन मेरी बेटी फक्र से कहे कि मेरा बाप एक अच्छा पुलिस वाला है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। आओ बेटा घर चलेंगे। अच्छा चलता। एक मिनट, अपनी जिंदगी में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, पर रिश्तेदारों का प्यार और इज्जत फिर से नहीं मिल सकते। इसलिए बेशुमार प्यार करो, क्योंकि इसकी असली कीमत क्या है ये मेरे जैसा अनाथ ही समझ सकता है। लाइए दादा। ये ले, इसको भी रख। हाँ, मैं इस तरफ जगह बनाता हूँ ना। सारा सामान चेक कर लिया ना डार्लिंग। समझ लिया ना। चलती हूँ दादा। बाय बाय। माही, मुझे बिल्कुल मिस नहीं करना। डार्लिंग तुम्हारा एकदम अच्छे से ख्याल रखेगा। ओके महारानी। बाय 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 माही। चलो मेरी भांजी की वीरान जिंदगी फिर से बस गई। लगता है ये तोता मैना भी आपस में गुटरगू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? होना क्या है, दिल के करीब आ। नहीं आ सकती, करीबियां शादी के बाद। इस गरीब को इस तरह मत तड़पा,
नहीं नहीं, तुम्हें मछली की तरह तड़पना ही होगा शादी से पहले तक। अरे तड़पना नाम का शब्द हमारी किताब में नहीं है। क्या चपड़ चपड़ कर रहा है दादाजी? ये साइलेंट फिल्म में आप नहीं समझेंगे। पीके मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट वैशाली का मर्डर केस आज एक नया और हैरतअंगेज मोड लेने वाला है। कहा जा रहा है कि पीके के खिलाफ कोर्ट में देखते हैं इस केस का क्या होता है, पेश किए जाएंगे जिससे उसके जुर्म का खुलासा हो जाएगा। आज फैसला हमारे पक्ष में होगा ना बेटा? फिक्र मत कीजिए अंकल, हम जरूर जीतेंगे। माही, वकील साहब से तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, क्यों? कोर्ट में अगला केस हमारा ही है, वो अब तक आए नहीं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। क्या तुम्हारे पास उनका कोई पर्सनल नंबर है? हाँ दादा। ये नंबर भी स्विच ऑफ है। हम देखते हैं क्या हो सकता है, चलो। हाँ चलो चलो। क्या चेन्नई के फाइटर, वकील का फोन नहीं लग रहा? लगेगा भी नहीं। दया नहीं, बाई तरफ देख। मैं दिखा पीछे पीछे आ जाओ पीछे। ऐसे मत देख, मैं डर गया। तुझे देख के तो लगता है जैसे तेरे वकील की इकलौती बेटी जो कनाडा में रहती है, जब वो अपने पति और बच्चे के साथ गाड़ी में सफर कर रही थी तो उसके साथ कुछ हो गया। पापा प्लीज हमें बचा लो। कुछ गुंडों ने उन्हें रोक कर उनके सर पर बंदूक तानी और तेरे वकील को कॉल करके धमकाया। प्लीज पापा, ये जो कह रहे हैं वो मान जाइए। सर सारे सबूत मैं आपको लौटा दूंगा सर, प्लीज मेरी बेटी और उसके परिवार को कुछ मत करना। उन्हें जाने दो। और तेरे वकील ने वो सारे सबूत मुझे लाके दे दिए, तो ये मत सोचना कि मैंने वो सारे पेपर जलाकर राख कर दिए। से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कहा उसने? ये कोई मजाक है? अदालत में बिना सबूत और गवाह के केस नहीं लड़ सकते। आप कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हैं। बचाव पक्ष कुछ कहना चाहता है? माय लॉर्ड, अगर कोई सबूत या गवाह इनके पास होता तो एक सीनियर लॉयर सुनवाई के दिन अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता। इससे यह साबित होता है कि यह केस जाली और मनगढ़ंत केस है। समाज में गरीबी से ऊपर उठकर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मिस्टर पीके ने यह मकाम हासिल किया और आज उसी समाज की भलाई के लिए मिस्टर पीके ने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले हैं। हमारे पीएम उनको इनके कार्य के लिए बेस्ट एजुकेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। मैडम, ये रहा इन्विटेशन कार्ड। कुछ लोग पीके साहब की सफलता से इतना जलते हैं कि उन्होंने उनका नाम खराब करने के लिए उस लड़की को मोहरा बनाया। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस केस को यहीं खारिज करते हुए उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने उस लड़की को ऐसा करने के लिए उकसाया। मैडम जरा एक मिनट रुकिए, क्या मैं आपकी इजाजत से कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट बात कर सकता हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदालत की अपनी एक मर्यादा है, ऐसे ही बीच में खड़ा होकर कोई बोल नहीं सकता। सिट डाउन प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कौन हैं? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की को उकसाया, वकील साहब ने अभी कहा। मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, इसलिए मैं कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैडम क्या बोलेगा ये? आपको जो भी बोलना है विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। उस लड़की को केस फाइल करने के लिए किसने उकसाया बताइए, डरिए मत। एक सुनहरे भविष्य का सपना लेके दूसरे स्टेट से आई वैशाली का यहाँ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और मरने के बाद भी उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस बात ने उस लड़की को उकसाया।
बेटी को डॉक्टर के कोर्ट में देखने के बजाय सफेद कफन में लिपटा देखा तो उसके माँ बाप जीते जी मर गए। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। अपना घर खेत सब कुछ गिरवी रखने के बाद भी जब आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है जहाँ सिर्फ फैसिलिटीज के नाम पे झूठी और फर्जी तस्वीरें होती हैं, तो हजारों स्टूडेंट्स बेचारे या तो आत्महत्या करने की सोचते हैं या फिर मजबूरी में कोई गलत कदम उठाते हैं। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बेकार की बातें करके केस को किसी और दिशा में ले जा रहा है। एकदम करेक्ट कहा इन्होंने, केस को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप कंटिन्यू कीजिए। मदुरई के एक स्कूल में गलती से एक दिन भयंकर आग लग गई। बाहर ना निकल पाने की वजह से बेचारे 100 से ज्यादा मासूम बच्चे आग का शिकार हुए और झुलस कर वहीं मर गए। उस हादसे के बाद देश भर की स्कूल्स की मरम्मत कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी ताकि सबको लगे कि उन्हें बच्चों की बहुत परवाह है। चेन्नई के एक छोटे से इलाके में एक माँ ने जब अपने 5 साल के बच्चे को स्कूल बस में स्कूल भेजा तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि 5 मिनट बाद उसका बच्चा टायर और बस की बॉडी के बीच में बने फासले में आके मर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? वही बेकार की दलीलें और खानापूर्ति। देश भर की स्कूल बस वैन को चेक किया गया ये देखने के लिए कि उसका ब्रेक ठीक से लगता है या नहीं। बस यही करके हमारे सरकारी बाबू घर चले गए। ऐसा ही कुछ कोयम्बतूर में भी हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। कॉलेज में फैसिलिटीज के नाम पर ढेला था और जब स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे तो उन्हें धमकाया गया। उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में लगातार कई मेल भेजे लेकिन किसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। इसके बाद क्या था, कॉलेज के दबाव के चलते 3 गर्ल स्टूडेंट्स ने हार के सुसाइड नोट लिखा और पास के कुएं में जाके मर गई। और ये सब होने के बाद कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन हुई और वहां के स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटीज वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। प्लीज आप मुझे एक बात समझाइए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिन सरकारी अफसरों की आत्मा ऐसे हादसों के बाद जागती है, ऐसे सोए हुए जमीर वालों की मात सॉरी वो पहले कुछ क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन बातों से इस केस का क्या लेने देना है? नाता है, ये बिल्कुल नाता है। नाता है क्योंकि इस शहर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अपने घटिया कॉलेज की पोल खुलने से बचाने के लिए एक मासूम होनहार लड़की की बलि चढ़ा दी। अगर आपकी इजाजत हो योर ऑनर तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना है? एक मिनट। इसी बैग में ये बेचारे कॉलेज की फीस भर के लाए थे इस उम्मीद में कि उनकी बेटी एक दिन यहां से डॉक्टर बनके निकलेगी। आप जानती हैं अब इस बैग में क्या है? इनकी इकलौती बेटी की अस्थियां पड़ी है। अब बस वो इतना चाहता है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए ताकि कॉलेज के पास वाली नदी में वो इसे विसर्जित कर सके। इस दुनिया में माता पिता गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है पर कोई ये नहीं कहता कि उनसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि एक डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम अपना जीना मरना उनके हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए उन्हें बेहतरीन एजुकेशन मिलनी चाहिए, तभी तो वो काबिल डॉक्टर बन पाएंगे और अपने हुनर से हजारों लोगों की जान बचा पाएंगे। बात सिर्फ एक वैशाली की नहीं है जिसे इस शहर में मार दिया गया, ना सिर्फ उस कॉलेज की है जो सबको धोखा दे रहा है, बल्कि देश भर में ये केस उन लाखों स्टूडेंट से जुड़ा है जो भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, जब जान पर बनाती है तो सब डॉक्टर पर ही भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आप हूं या मैं हूं या यहां बैठे वकील हूं। इसलिए इसे समाज के लिए एक चेतावनी समझिए और प्लीज मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए ताकि मैं उन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश कर सकूं जिन्हें जानबूझकर छुपाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, झूठी सहानुभूति हासिल करने के लिए इसने कोर्ट में ये सारी फिजूल की बातें की हैं। ये बातें फिजूल नहीं है, सही फैसला लेना कोर्ट की जिम्मेदारी है। बैठिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठिए। मैं आपको 5 दिन की मोहलत देती हूँ। मुझे मरवाएगा ये। इस दौरान पुख्ता सबूत के साथ ये साबित करना होगा कि उस लड़की की मौत के लिए उसका कॉलेज जिम्मेदार है, वरना मैं केस डिसमिस कर दूंगी।